आप देख रहे हैं संवाद न्यूज हिंदी। हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी बड़ी बातें कही थी। दरअसल कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं भारत में भी कोरोना वायरस ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या लगभग 585 जा पहुँची है, तो वहीं 11 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। पीएम ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको कोरोना को फैलने से रोकना है तो आपको अपने घर के अंदर रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो आइए हम आपको बताते हैं कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, रात्रि 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन होने जा रहा है, और ये लॉकडाउन एक तरीके से कर्फ्यू है। ये कहीं जनता कर्फ्यू से ज्यादा ही मायने रखेगा। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेशों को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली, हर मोहल्ले को लॉकडाउन किया जा रहा है। कोरोना से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोरोना को फैलने से रोकना है तो इसके संक्रमण की साइकिल को हमें तोड़ना होगा, जिसके लिए हमें अपने घरों में रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आप इस समय जहाँ हैं वहीं रहें, अपने घर से बाहर मत निकलें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी के बारे में सोचना होगा, जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा रही है। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके परिवार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से तभी बचा जा सकता है जब आप अपने घर की लक्ष्मण रेखा ना लांघें। आप ये समझ लें कि आपके घर के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है और आपको उसको पार नहीं करना है। दरअसल आज हमारे देश की वर्तमान स्थिति डामाडोल हो चुकी है। जिधर देखो हाहाकार मचा हुआ है। आज तक ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला था जब सड़कों पर से लोग गायब हो जाएं। या यूं कहें, अब तक इंसान प्रकृति से खेल रहा था, लेकिन अब प्रकृति ने भी इंसान से खेलना शुरू कर दिया है। घबराइए मत, ये तो शुरुआत है। यदि इंसान अब भी सतर्क नहीं हुआ तो कोरोना और स्वाइन फ्लू से भी घातक बीमारियां एक दिन